हूं आपकी श्रद्धा दीदी एंड वेलकम टू अपना कॉलेज कुछ दिन पहले मैंने एक पोस्ट निकाला था जिसमें मैंने स्टूडेंट से पूछे थे कि उनकी टेक्नोलॉजी के बारे में डाउट्स क्या क्या है और वहां पर काफी इंटरेस्टिंग डाउट्स कुछ कुछ स्टूडेंट्स ने पूछे हैं अब उनमें से एक दो डाउट्स थे जो कॉमन थे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस से रिलेटेड और उन्हीं डाउट्स के बारे में मैंने सोचा कि एक कॉमन वीडियो बना देते हैं जिसको स्टूडेंट्स देख सकें और जिससे कुछ स्टूडेंट्स के जो हैं डाउट क्लियर हो सकें अब इसमें ऐसे ऐसे डाउट्स थे जो मेरे टाइम पर भी आए थे मुझे जब मैंने इलेवन ट्वेल्थ में सी प्लस सीखना शुरू किया था तो उस टाइम पर मैं भी बैठ कर सोचा करती थी कि यार ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में ऐसी चीज़ें क्यों चल रही है जैसे कि हमारे पास इतनी सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्यों हैं? हम सिर्फ एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से काम क्यों नहीं चला सकते मैं क्यों C++ पढूं? क्यों जावा पढूं? क्यों HTML पढूं? मैं एक ही लैंग्वेज पढ़ के क्यों ना सारी चीज़ें कर लूँ या फिर आ, कुछ कुछ ऐसे भी थे कि हमारे पास जो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जैसे C++ प्लस जावा इनको तो हमने दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस से बनाया है अब उन लैंग्वेजेस को कैसे बनाया गया या हम जो कंप्यूटर में बाइनरी सिस्टम की बात करते हैं ये बाइनरी सिस्टम का क्या मतलब होता है ये कहाँ से आया बाइनरी सिस्टम को किसने बनाया तो इस तरीके की चीज़ें हम कुछ कुछ डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता कि क्या होती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है कोडिंग की टर्म्स में एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस यानी अगर हमें किसी से बनवानी है तो उसको बोलेंगे पहले आप पानी डालिए उसके बाद आप चाय पत्ती डालिए उसके बाद चीनी डालिए या फिर दूध डालिए उसके बाद चीनी डालिए तो इस तरीके की कुछ कुछ इंस्ट्रक्शन देते हैं वैसे ही अगर हमें कंप्यूटर से कोई काम कराना तो उसको भी इंस्ट्रक्शन देनी पड़ती है कि दो नंबर्स को ऐड करना है तो पहले पहले नंबर को इनपुट लो फिर दूसरे नंबर को इनपुट लो उसके बाद दोनों नंबर को ऐड करो फिर उस सम को प्रिंट करवाओ अब बड़ी बड़ी कंपनीज में ये जो इंस्ट्रक्शन होते हैं ये और बड़े बड़े और, और ज़्यादा मुश्किल हो जाते हैं तो वहां पर कोड भी बड़े बड़े होते हैं हज़ारों लाइनों की हम फाइल्स लिख देते हैं कोड में अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की शुरुआत कहाँ से हुई शुरू में कोई भी कंप्यूटर होता था तो हमारे पास सी प्लस प्लस जावा ये सब नहीं हुआ करते थे हमारे पास होती थी बस बिजली यानी शुरू वाले जो बड़े बड़े पुराने पुराने कंप्यूटर्स होते थे उनमें से बिजली जा सकती थी तो वो जो वायर जाता था जा, जिसमें से करंट जाता था उसमें या तो हम करंट भेज सकते थे या फिर करंट नहीं भेज सकते थे तो वो जो हाई वोल्टेज हाई करंट वाली स्टेट होती थी उसको हम नाम देते थे वन

दिया करते थे सिर्फ नंबर ही नहीं अगर हमें कोई वर्ड भी प्रिंट करना है यानी अगर हेलो हमें प्रिंट करना होगा तो उसके लिए वन जीरो वन वन ऐसा कुछ अजीब सा कॉम्बिनेशन दिया करते थे वन और जीरो का और पुराने जमाने के कंप्यूटर साइंटिस्ट एक्चुअली उस वन और जीरो को याद किया करते थे या बड़ी बड़ी मैन्यूल लेके घूमा करते थे ताकि उन्हें पता हो कि कौन से वर्ड के लिए क्या बाइनरी कोड लिखना है अब इसमें क्या हुआ कंप्यूटर साइंटिस्ट जो हुआ करते थे उनका काम बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया तो वहाँ पर कुछ कुछ टेक्नोलॉजी में एनहांसमेंट आई तो पहली बार ग्रेस हॉपर नाम की एक साइंटिस्ट थी तो ग्रेस हॉपर ने नाइनटीन में पहली बार एक मशीन बनाई जिसकी मदद से हमें इतने बड़े बड़े बाइनरी कोड नहीं लिखने पड़े हमें सिंपल छोटे कोड लिखने पड़े अब ग्रेस हॉपर ने ये जो मशीन बनाई इसको उन्होंने कंपाइलर का नाम दिया तो कंपाइलर क्या करता था कंपाइलर मेमोरी में जहां भी पूरा का को पूरा कोड लिखा हुआ है उसकी लोकेशन याद कर लेता था जैसे दो नंबर्स को ऐड करने का कोड अगर मेमोरी के अंदर A, नाम की लोकेशन में लिखा हुआ है तो आगे से अगर कोई बोलेगा ए टेन करना है दो नंबर्स पे तो क्या करेगा ए टेन का पूरा का पूरा बाइनरी कोड ले आएगा और दोनों नंबर को एड कर देगा उस कोड की हेल्प से तो इस तरीके से जो प्रोग्रामर है जो साइंटिस्ट है उसको सिर्फ ए टेन याद करना है उसको पूरा का पूरा बाइनरी कोड याद नहीं रखना तो इस लैंग्वेज ये जो ए टेन या कोड्स की जो लैंग्वेज थी इसको हमने असेंबली लैंग्वेज का नाम दिया और पहली असेंबली लैंग्वेज आई ने बनाई थी जो नाइनटीन में आई थी और इसका नाम था फोर्ट इसके बाद ग्रेस हॉपर ने भी 1959 में अपनी एक असेंबली लैंग्वेज निकाली थी जिसका नाम था वर्ल्ड कोबोल। कोबोल के, के अंदर तो इस तरीके से आई हमारी असेंबली लैंग्वेजेस असेंबली लैंग्वेजेस में साइंटिस्ट को बस कुछ कोड याद रखने लगे अब ये जो असेंबली लैंग्वेज होती थी ना ये कंप्यूटर के हिसाब से बनती थी इंटेल के आई प्रोसेसर पर एक ही असेंबली लैंग्वेज काम कर सकती है वो आई या राइजन पर या मैक पर, पर काम नहीं करेगी तो इस तरीके से जो असेंबली लैंग्वेज थी वो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट थी लेकिन फिर इन असेंबली लैंग्वेजेस को कंप्यूटर साइंटिस्ट के लिए प्रोग्रामर्स के लिए कोडर्स के लिए और आसान किया गया और इनको थोड़ा इंग्लिश की तरफ लाया गया तो उसके बाद आई हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेजेस हाई लेवल लैंग्वेजेस जैसे C++ Java, C, जावा ये सारी हमारी हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं जो हमें ज़्यादा आसानी से समझ में आती है क्योंकि असेंबली लैंग्वेजेस में भी कोड याद करना मुश्किल था लेकिन C++ में एफ एल्स याद करना थोड़ा ज़्यादा आसान है इसीलिए ये सारी हाई लेवल लैंग्वेजेस आई और इन हाई लेवल लैंग्वेजेस को इस तरीके से बनाया गया कि ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है यानी हम मैक पर भी सी लिख सकते हैं और हम विंडोज पर भी सी लिख सकते हैं उसमें कोई परेशानी नहीं आएगी तो इस तरीके से हमारी आज की जो हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं उनसे पहले हमारे पास असेंबली लैंग्वेजेस आई थी और उनसे पहले हमारे पास था बाइनरी सिस्टम अब कंप्यूटर को ये जो असेंबली लैंग्वेज थी या फिर ये जो हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं ये कैसे समझ में आती है कंप्यूटर को तो बस करंट समझ में आता है कि हाई वोल्टेज है या लो वोल्टेज यानी जीरो और वन तो इसके लिए हमारे पास स्पेशल मशीनस होती हैं जैसे असेंबली लैंग्वेज को जीरो वन में कन्वर्ट करने की मशीन को हम असेंबलर कहते हैं और हाई लेवल को जीरो को, हम तो को, को हमारे बाइनरी सिस्टम में कन्वर्ट कर देते हैं अब ये जो कंपाइलर है इनको भी हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में ही लिखते हैं कोई होगा जो सी लैंग्वेज में लिखा होगा कोई कंपाइलर होगा जो लैंग्वेज में लिखा होगा तो इस तरीके से अलग अलग

तो या तो हम उसके लिए कुल्हाड़ी यूज कर सकते हैं या फिर उसके लिए चाकू यूज कर सकते हैं अब यहां पर हम कौन सा टूल ज्यादा यूज करेंगे यहां पर यूज करेंगे हमें कुल्हाड़ी का क्योंकि पेड़ को काटने के लिए कुल्हाड़ी ज्यादा सूटेबल है लेकिन वहीं एक सेब को काटना है तो उसके लिए क्या यूज करेंगे उसके लिए हम चाकू यूज कर रहे होंगे वहां पर तो ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती है ना ये भी टूल्स की तरह होती है कहीं पर हम किसी टूल को यूज करते हैं कहीं पर किसी टूल को काम सारे एक ही कर रहे हैं यानी चीजें काटने का अब कौन सा कौन से सिनारियों में कौन से केस में सबसे बेहतर होगा वहां पर वो यूज करते हैं जैसे प्रैक्टिकली सोचा जाए तो हमें किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जरूरत है हमें ऐसी लैंग्वेज चाहिए जो हमारे लिए सीखने में आसान हो यानी जो इंग्लिश के साथ थोड़ी बहुत मिलती हो या हमारी लैंग्वेज के साथ थोड़ी बहुत मिलती हो दूसरी चीज हमें ऐसी लैंग्वेज चाहिए जो बहुत फास्ट कैलकुलेशन करे फास्ट प्रोसेसिंग करे हमें ऐसी लैंग्वेज चाहिए जिसमें एरर का स्कोप जो है वो भी कम हो तो ये सारे के सारे अलग अलग फीचर्स हैं अब जब भी हम किसी भी एक लैंग्वेज में कुछ फीचर बढ़ाने निकलते हैं हमें पता चलता है उसके दूसरे फीचर्स कम हो रहे हैं जैसे जावा का एग्जाम्पल लें तो जावासक्रिप्ट को फ्रंट एंड की लैंग्वेज माना जाता है कि वेबसाइट का जो शुरुआत में हमें जो चीजें दिखाई देती हैं उसको जावासक्रिप्ट की फॉर्म में हम बनाते हैं अब फ्रंट एंड तो हमने बना लिया जावा से

वो थोड़े बहुत क्लियर हो गए होंगे आई होप कि प्रोग्रामिंग करते टाइम आपको आपकी जर्नी में और ज़्यादा मजा आए और काफ़ी सारी नई चीज़ें आप सीखें क्योंकि कोडिंग आज की डेट में बहुत बड़ी दुनिया बन गई है जिसके अंदर अनलिमिटेड चीज़ें हैं एक्सप्लोर करने के लिए आज के लिए इतना ही मिलता है नेक्स्ट वीडियो में टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग